यातायात पुलिस ने सोमवार को नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान यातायात पुलिस ने सोमवार को शाम के समय में भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में गोलघर एवं कचहरी क्षेत्र में नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ क्लैपिंग की कार्रवाई की। इसके संबंध में दूरभाष पर बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने बताया कि जनपद में यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए 400 क्लैपिंग मनाया गया है, जिसका उपयोग नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह निर्धारित पार्किंग में ही अपने वाहन को खड़ा करें, जिससे कि आने जाने वाले नागरिकों को किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े और यातायात सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि यातायात के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए यातायात पुलिस बसों व विद्यालयों में जाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने कहा, हमने गोरखपुर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ कराने के लिए ITMS के साथ साथ शहर के विभिन्न भीड़भाड़ वाले व्यस्त मार्गों पर, जहां पर लोग अनऑथराइज रूप से गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिससे कि यातायात बाधित होता है, उसके लिए 400 क्लैंप्स मंगवाए गए हैं। उन क्लैंप्स के लिए हमारी टीम ताजा के सभी भीड़ वाले स्थानों पर अनऑथराइज रूप से खड़ी हुई गाड़ियों में लगाएगी और साथ ही मौके पर जुर्माना वसूल करेंगे। और इस प्रकार से लोगों के लिए हम एक संदेश और देना चाह रहे हैं और जनता से ये अनुरोध है कि शहर के जो चिन्हित पार्किंग स्थल है, जैसे कि गोलघर में मल्टी लेवल पार्किंग है, सिटी मॉल के सामने है, तो ऐसी निर्धारित जगह पर ही अपने वाहनों को पार्किंग करें, उसके बाद अपनी खरीदारी करें, घूमें, जिससे आम जनता के लिए कोई असुविधा ना हो। धन्यवाद।